आज के समय में इंस्टाग्राम पे वायरल होना नेक्स्ट टू हार्ड हो चुका है, लेकिन जिसने भी इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को समझ लिया ना, उसके लिए बहुत ही आसान है लाइक फॉलोवर को गेन करना। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको एल्गोरिथम के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले ही एक वीडियो बना रखा है, और अगर आप उस एल्गोरिथम को समझना चाहते हो तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस वीडियो के बाद आप उसे भी देख सकते हो, वो वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो खैर, आज के वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। आज जो मैं टिप्स बताऊंगा ना, वो सभी ट्रिक्स आपके रील और पोस्ट को वायरल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और कुछ तो ऐसे है जिन्हें सुनने के बाद आप शॉक हो जाओगे। तो चलिए अब टिप्स को देखते हैं। फर्स्ट टिप है कि अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को अट्रैक्टिव बनाओ, ताकि कोई भी यूजर आपके अकाउंट पे फर्स्ट टाइम आए कि उसे ऐसा ना लगे कि आप एक अनप्रोफेशनल क्रिएटर हो। और हाँ, आप अपनी बायो को सोच समझ के लिखना, क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। और कोई भी ऊट पटांग लाइन मत लिखना, लाइक जैसे ब्रांडेड कमीना, केक मर्डर, एटीट्यूड किंग, हैप्पी बिकॉज सिंगल। हाँ भाई, ठीक है कि आप सिंगल होने के बाद भी हैप्पी हो, ठीक है आप ब्रांडेड कमीना हो, बेजान चीजों को काट के मर्डरर बन रहे हो, बहुत एटीट्यूड है क्योंकि चाचा जी विधायक है, ये सब लिख के छपरी चाले मत करो। अपने अकाउंट से रिलेटेड बायो लिखो और अपनी ही डीपी लगाओ, और एक वेल एजुकेटेड समझदार क्रिएटर की तरह दिखो। सेकंड टिप है, पोस्ट और रील के क्वालिटी और क्वांटिटी पे ध्यान दो। मेरा मतलब पोस्ट की व्यू क्वालिटी और रील की लेंथ से है। कोशिश करो कि रील और पोस्ट आपके हाई क्वालिटी में अपलोड हो, और अगर आपकी वीडियो अपलोड करने के बाद भी उसकी क्वालिटी खराब हो रही है तो इंस्टाग्राम की एक सेटिंग करो। पहले आप इंस्टाग्राम के अकाउंट पे जाओ, वहाँ पे सेटिंग को क्लिक करो, फिर अकाउंट के ऑप्शन को क्लिक करो, सेलुलर डाटा के ऑप्शन को क्लिक करो, और डेटा सर्वर को ऑफ कर दो अगर ऑन है तो, और अगर पहले से ही ऑफ है तो ऑफ ही रहने दो। अपलोड हाई क्वालिटी के ऑप्शन को ऑन कर दो। अब जिस क्वालिटी में आप वीडियो को अपलोड करोगे उसी क्वालिटी में वीडियो अपलोड होगा, और वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अब वीडियो की लेंथ की बात करते हैं, यानी कि क्वांटिटी। कोशिश करो रील की लेंथ कम से कम हो। रील आप 60 सेकंड तक ही अपलोड कर सकते हो, पर 60 सेकंड का रील मत बनाओ, क्योंकि अगर कोई आपकी 60 सेकंड की वीडियो को 15 सेकंड भी देखता है तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को लगता है कि लोगों को रील पसंद नहीं आ रहा है, तभी ज्यादा लोग 25% ही आपकी रील को देखकर स्किप कर दे रहे हैं। और अगर आप 15 सेकंड, 20 सेकंड, इवन 30 सेकंड की भी रील बनाते हो और कोई भी व्यूअर आता है 10 सेकंड, 15 सेकंड भी देखता है तो इंस्टाग्राम को लगता है कि अच्छी वीडियो है, तभी लोग आधा या फिर आधा से थोड़ा सा ज्यादा देख के जा रहे हैं, फिर इंस्टाग्राम ज्यादा लोगों को वीडियो भेजता है। थर्ड टिप है कि इंस्टाग्राम पे जब भी पोस्ट अपलोड हैशटैग कम लगाओ। अब ऐसा नहीं है कि आप लगाना ही बंद कर दो, लगाओ लेकिन बहुत कम, जैसे कि 3, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपका मन है तो 5, क्योंकि अगर आप ज्यादा हैशटैग लगा देते हो तो इंस्टाग्राम कंफ्यूज हो जाता है कि दिखाना किसे है, क्योंकि एक ही वीडियो में आप हैशटैग हैप्पी भी लगा देते हो और हैशटैग सैड भी लगा देते हो, हैशटैग लव भी लगा देते हो और हैशटैग ब्रेकअप भी लगा देते हो, फिर इंस्टाग्राम कंफ्यूज हो जाता है कि इन सभी में से दिखाना किसको है, और फिर इंस्टाग्राम रील की रीच रोक देता है। इसलिए टैग कम लगाओ और ऐड टॉपिक वाले हैशटैग भी लगाओ, और साथ ही एक अच्छा कैप्शन भी लिखो। कैप्शन की लेंथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस हैशटैग आप कम ही लगाओ। फोर्थ टिप है, नेवर गिव अप, क्योंकि यकीन करो कोई भी पहले दूसरे पोस्ट में वायरल नहीं होता है जब तक वो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी ना हो। इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे टाइम लगता है, और ये प्लेटफॉर्म टाइम मांगती है, और साथ ही ये एक पेशेंस का भी गेम है। जैसे मुझे ही देख लो, यूट्यूब पे कितने ही वीडियो बना लिए पर कोई भी वीडियो अभी तक वायरल नहीं हुआ है, लेकिन एक दिन होगा। इसलिए रील हर रोज एक दो अपलोड करो अगर वायरल होना चाहते हो। जैसे मेरे इस फ्रेंड की आईडी को देख लो, पहले बहुत ही वीडियो बना डाला लेकिन कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी वीडियो बनाने के बाद अचानक से एक वीडियो 3 मिलियन को क्रॉस कर गया। इसलिए कहता हूँ थोड़ा पेशेंस रखो और वीडियो बनाओ, कुछ दिनों में ही आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। फिफ्थ टिप है, इंस्टाग्राम के अकाउंट को प्रोफेशनल क्रिएटर में स्विच करो, और ये कोई भी कर सकता है। इससे आपके अकाउंट पे ज्यादा ट्रैफिक आएगा और फिर आपकी वीडियो पे अच्छे व्यू भी आएंगे। ओवरऑल प्रोफेशनल अकाउंट ज्यादा तेजी से वायरल होता है, और प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के फायदे भी बहुत है। अगर आपको नहीं पता प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो नीचे जाओ और दोनों ही वीडियो देखो। तो खैर, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।